बिहार में लोकसभा के सातवें चरण के लिए तमाम दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इस चरण में मतदान 1 जून को होगा। सातवें और अंतिम चरण में बिहार की 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें सबसे हॉट सीट काराकाट बना हुआ है। यहां लगातार केंद्रीय नेताओं की चुनावी जनसभा हो रही है। ऐसे में अब आज यानी कि बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार में जनसभाएं करेंगे। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार में 3 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, काराकाट के विक्रमगंज, बक्सर के दिनारा और पटना साहिब के बख्तियारपुर में राजनाथ सिंह की सभा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार की सुबह पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से हेलीकॉप्टर से काराकाट जाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि विक्रमगंज के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह भी एनडीए प्रत्याशी के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। वह बक्सर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। वह बक्सर लोकसभा सीट पर मिथिलेश तिवारी के लिए प्रचार करने वाले हैं। काराकाट लोकसभा सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी वो वोट मांगेंगे। वहीं पटना साहिब लोकसभा सीट पर रविशंकर प्रसाद के लिए बाढ़ में रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि जिन 8 सीटों पर अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है, वो नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद है। ऐसा नहीं है कि इन सीटों पर उम्मीदवार केवल धनपति हैं, कुछ आपराधिक छवि वाले भी हैं। बता दें कि काराकाट संसदीय सीट से चुनावी जंग लड़ रहे राष्ट्रीय सेवा दल के प्रदीप कुमार जोशी पर हत्या के मुकदमे के लिए कई आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं बक्सर के बसपा उम्मीदवार अनिल कुमार और नालंदा के निर्दलीय चुनाव लड़ रही संयुक्ता कुमारी क्रम में दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।